नमस्कार, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की कक्षा में मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीणा आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है बीए भाग द्वितीय वर्ष का रीतिकालीन कार्य, उसमें हमने आपकी जो रीतिकालीन कविता है उसकी पृष्ठभूमि, रीतिकालीन कविता के नामकरण, रीतिकालीन काव्य धाराएं और रीतिकाल के जो रीतिमुक्त कवि हैं उनकी विशेषताएं उनका अध्ययन किया। अब हम आपको जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें से भी आपके जो प्रतिनिधि रीतिकाल के जो कवि दिए गए हैं उनकी कविताओं का भी अध्ययन करवाएंगे। तो उसमें जो पहला जो कवि है आपके पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई में प्रथम जो कवि है वो है केशवदास। तो केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका वो आपके पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका के जो खंड हैं प्रत्येक खंडों का नाम रामचंद्र मानस की तरह यहाँ भी कांड ही रखा गया है। तो उन सभी कांडों से आपके कुछ जो चुनिंदा छंद हैं वो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उन्हें कविता को पढ़ने से पहले कवि जो होता है उसने इस तरह की रचना क्यों की, उसके लिए उस कवि का जो जीवन चरित्र है, उस कवि का जो समकालीन वातावरण है उसको जानना आवश्यक होता है। इस रचना के अलावा और भी अन्य प्रकार की या उसी तरह की रचनाएं उन्होंने की उनका भी आपको पता होना जरूरी है। आपकी जो परीक्षा है उसमें कवि परिचय से संबंधित जो अति लघु कलात्मक प्रश्न होते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए कवि परिचय में की जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो हम केशवदास का जो कवि परिचय है उसका अध्ययन करते हैं। पहला सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केशवदास है ये इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आचार्य केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी को हुआ था और ये ओरछा वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज दरबार में महाराजा इंद्रजीत सिंह के भाई उनके यहाँ पर राजाश्रित कवि थे और ये राज दरबार में रहकर ही इनके वंशज पीढ़ियों से राज उस ओरछा जो राज दरबार है उसमें राजाश्रय में रहते आए और राज दरबार की सेवा अपने काव्यत्व पांडित्य प्रतिभा के आधार पर करते आए थे। तो ये वहाँ रहते थे और उन्होंने ओरछा नरेश जो थे उन्हीं के राज दरबार में अपनी सेवाएं दी और उन्हीं की इच्छा अनुसार या तत्कालीन जो साहित्यिक परंपरा थी उसके अनुसार काव्य रचनाएं की। तो केशवदास जो हिंदी साहित्य में एक तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, अब सामान्य तौर पर ये नहीं पूछा जाता लेकिन परीक्षा में आपसे केशवदास किसके दरबारी कवि थे ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो महाराजा राम शाह ओरछा नरेश थे, महाराजा राम शाह उनके छोटे भाई इंद्रजीत सिंह उनके राज दरबार के राजाश्रित कवि थे। केशवदास जो हैं हिंदी साहित्य में रीतिकालीन जो आचार्यत्व की जो परंपरा है उसको प्रारंभ करने वाले कवि भी माने जाते हैं। रीतिकालीन ये आचार्य और कवि दोनों के तौर पर ये प्रसिद्ध रहे। तो जो केशवदास की जो आचार्यत्व की बात करते हैं तो केशवदास का जो दृष्टिकोण था काव्य के प्रति वो अलंकारवादी था। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ये काव्य को काव्य में चमत्कार पांडित्य
उक्ति वैचित्र इनकी प्रधानता को महत्व देते थे और इन्होंने इसके लिए जो संस्कृत साहित्य शास्त्र है उसमें जो अलंकारवादी आचार्य हुए भामें दंडी उद्भट इनकी आदि इनकी जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है उनका अनुकरण करते हुए हिंदी की जो रीतिकालीन कविता है उसमें काव्यशास्त्र के सिद्धांत है उन्हें तत्कालीन राज दरबार को समझाने के लिए संस्कृत साहित्य के जो सिद्धांत है उनका तत्कालीन ब्रजभाषा में काव्यात्मक रूप से उसकी प्रस्तुति दी। उसे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लक्षण और उदाहरण लिख करके रीतिकाल में जो लक्षण उदाहरण लिखने की जो परंपरा थी चपराम से हम मान सकते हैं तो उसको केशवदास ने और अधिक ढंग से पुनर्स्थापित किया, उसे आगे बढ़ाया और इस संदर्भ में उनकी जो पुस्तक है कवि प्रिया और ऋषि प्रिया ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें केशवदास की इसी लक्षण उदाहरण की जो परंपरा है उसमें मानी जाती है। इन्होंने ओरछा नरेश के की राजपुत्री को काव्यशास्त्र का अध्ययन करवाने के लिए ये पुस्तकें इनकी रचना की ऐसा माना गया है। तो केशवदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? इन्होंने केशवदास ने कुल 9 ग्रंथ लिखे ऐसा विद्वानों की मान्यता है। इतिहास रीतिकाल के जो समीक्षक हैं उन्होंने ऐसा माना है और उनमें इनकी जो प्रथम रचना है वो रसिक प्रिया ये 1591 ईस्वी की रचना मानी जाती है। दूसरी जो रचना इनकी है रामचंद्रिका जो कि इनका एक प्रबंध काव्य है और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है और आपके पाठ्यक्रम में भी रामचंद्रिका की कुछ छंद हैं वो लिए गए हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे आगे। तीसरी पुस्तक ये रामचंद्रिका है, इसका जो रचनाकाल है 1601 ईस्वी माना गया है। कवि प्रिया तीसरी रचना है कवि प्रिया और चौथी है इनकी रतन बावनी। कवि प्रिया का समय भी 1601 है। रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित्र ये दो इनके जो वीर काव्य परंपरा थी आश्रयदाताओं को प्रशंसा में लिखे है वीर रसभान जो ग्रंथ ये दो ग्रंथ इनके 1707 ईस्वी के लिखे गए हैं रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित्र। इसके अलावा विज्ञान गीता ये भी जो इनकी पुस्तक है 1607 ईस्वी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका ये पुस्तक भी रीतिकालीन वीर काव्य परंपरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा उनके चरित्र का जो है अतिशक्तिपूर्वक चित्रण रीतिकालीन कवियों ने जैसे किया तो केशवदास का भी जहांगीर जस चंद्रिका उसी तरह का एक प्रबंध काव्य है। इसके अलावा दो पुस्तकें जो और मानी गई है नक्षत्र और छंदमाला इन पर विद्वानों की एक मत नहीं है लेकिन परवर्ती जो शोध के आधार पर इन्हें केशवदास की रचना माना जाता है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से केशवदास की कोई दो रचनाएं मुख्य रूप से आवश्यक रूप से याद रखनी है कि केशवदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम ये रामचंद्रिका के अलावा तो उनमें से आप जो रसिक प्रिया है कवि प्रिया है विज्ञान गीता है रतन बावनी है जहांगीर जस चंद्रिका है वीर सिंह देवचरित्र है ये रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। इनका रचनाकाल अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। रचनाकाल अमूमन आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है लेकिन नाम साल दर साल पूछा जाता है। अब हम ये तो केशवदास की रचनाओं की बात हो गई, केशवदास के राज दरबार की बात हो गई और उसका जन्म कब हुआ था। केशवदास चूँकि रचनाएँ भी हो चुकी हैं
तो उनमें से इनका जो जीवन का जो अंतिम समय है, इनका मृत्यु काल जो है वो कब माना गया है, तो 1560 ईस्वी में इनका जन्म मानते हैं और 1617 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इस तरह से इनका जो जीवन काल है उसका समय 57 वर्ष का माना गया है। और इनकी नौ रचनाएं रीति काल के प्रसिद्ध आचार्य कवि के रूप में रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख विशेषता आप देखेंगे उनमें एक तो अलंकारवादी यानी अलंकारत्व, अलंकारिकता इनकी रचनाओं में सभी रचनाओं में आप देख सकते हैं, जो कि चूँकि ये अलंकारवादी कवि थे और इनके जो एक सिद्धांत था वो ये कि कविता में चाहे वो कितनी सुंदर हो, भाव कितने अच्छे हों, लेकिन जब तक उसमें अलंकारों का चमत्कार नहीं है तभी तक वे प्रभावी नहीं हो सकते। तो ऐसी इनकी मान्यता थी काव्य के संदर्भ में ऐसा दर्शन था, क्योंकि अलंकारवादी कवि जो है ऐसा अलंकारवादी जो आचार्य हैं वो ऐसा ही मानते हैं, अलंकारवादी सिद्धांत ऐसा ही मानता है, उसकी ऐसी मान्यता है कि केशवदास की जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनन विराजयी कविता वनिता मित्र, ऐसा ये इन्होंने जो लक्ष्मण उदाहरण ग्रंथ है उनकी परंपरा में अलंकारवादी कविता को इन्होंने माना, और इसलिए इनकी कविता में अलंकारों का जो बाहुल्य है वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो कविता है उसमें आपको चमत्कार प्रदर्शन की भावना, वैचित्र छंद वैविध्य आदि देखने को मिलेंगे। और ये जो उक्ति वैचित्र है उसकी वजह से पांडित्य प्रदर्शन की वजह से केशवदास की जो कविता है उसमें कलात्मक पक्ष इतना अधिक प्रभावी, इतना अधिक मुखर हो गया है कि उसके आगे जो भाव पक्ष है वह दुरूह नीरस हो जाता है। और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में कठिन काव्य का प्रेतवी कहते हैं। ये उक्ति भी अक्सर पूछ जाती है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। जब इसमें और इनके काव्य में जो रागात्मक तारलता है यानी भाव की जो अनुभूतियों की जो गहनता है, जो सघनता है, जो सरसता है वह नहीं है, और सौंदर्य का जो चित्रण इन्होंने किया है अपने चरित्रों का, राम का, सीता का, मुख्य रूप से रामचंद्रिका में नायक नायिकाओं के तौर पर हम चरित्र देखें तो वहाँ भी उसमें सहजता नहीं है, सजीवता नहीं है, सरसता नहीं है, बल्कि उसमें चमत्कारिकता है, उक्ति वैचित्र है, कृत्रिमता वहाँ दिखाई देती है, जैसा कि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में हम उनके काव्य में देख सकते हैं। तो केशवदास भी, केशवदास तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और इसलिए उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें भी हम इस विशेषता को देख सकते हैं। और इसके अलावा केशवदास की जो कविता है उसमें एक और प्रमुख बात जो थी वो क्या कि छंद वैविध्य, इनकी रचनाओं में छंदों की विविधता देखी जा सकती है। आप रामचंद्रिका पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अधिक छंदों का प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे पिछले वर्ष आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा कि वह छंदों का अजायब घर है, तो रामचंद्रिका भी छंदों का अजायब घर ही है, उसमें भी हिंदी के सभी छंदों का लगभग प्रयोग केशवदास ने किया है। तो ये एक उनके काव्य की जो कलात्मक पक्ष है उसके आधार पर विशेषता हम देख सकते हैं। केशवदास की रचनाओं में उनकी प्रसिद्धि का एक जो और कारण है यानी विशिष्टता है केशवदास की रचनाओं की, उसमें है उनकी संवाद कला, यानी कविता को ये संवादों के रूप में कहते हैं, और जो संवाद हैं वो बड़े ही प्रभावी, सटीक, सजीव
प्रचुन्मतिपूर्ण आकर्षक बन पड़े हैं, तो जो संवाद सृजन कुशलता इनकी कविता की विशेषता भी हम देख सकते हैं। इस तरह से ये के वापक्षी बात हो गई, कलापक्षी बात हो गई। कलापक्ष में कुछ और बिंदु हैं छंद अलंकार के अलावा। हम सबसे पहले इनकी जो भाषा है, केशव दास ने अपने तत्कालीन समय में प्रचलित रीतिकालीन जो काव्य है उसकी जो ब्रजभाषा है उसमें ही रचना की थी। लेकिन ब्रजभाषा का जो रूप भक्तिकाल के कवियों में सूरदास यानी कृष्ण भक्ति आदि कृष्ण भक्ति परंपरा के जो कवि थे उनमें जो ब्रजभाषा का जैसा मार्मिक प्रभावी सहज सरस लौकिक रूप देखने को मिलता है, केशव दास में उसके स्थान पर ब्रजभाषा भी पांडित्य चमत्कार पूर्ण कृत्रिमता उसमें लिए हुए है और इसलिए शब्द क्रीड़ा सी करती हुई वह वहाँ नजर आती है। उसमें स्वाभाविकता नहीं है, उक्ति वैचित्र उसमें उनकी भाषा में वहाँ देख सकते हैं। इस तरह से जो केशव दास है उनकी जो कविता है वह रीतिकाल में रीतिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है और हम रीतिकालीन जो केशव दास है उनकी जो रचनाएं हैं यानी आपके पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका उसका जो रामचंद्रिका के जो आपके पाठ्यक्रम में सर्ग दिए गए हैं सभी सर्ग आपके पाठ्यक्रम में हैं। आपका जो बालकांड है रामचंद्रिका का वहाँ से लेकर के रामायण के अन्य जो कांड है अयोध्या कांड है आपका अरण्य कांड है लंका कांड है सुंदर कांड है और उत्तर कांड तक सभी कांड और उनसे कुछ चुनिंदा जो छंद हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। तो एक एक करके हम अगले कक्षा में रामचंद्रिका के केशव दास की जो रचना रामचंद्रिका से आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनकी व्याख्या उनका जो काव्य सौंदर्य है उन्हें हम अनुभूत करेंगे। केशव दास ने रीतिकालीन दृष्टि से राम के चरित्र को किस तरह से प्रस्तुत किया उसे हम समझेंगे। धन्यवाद।